तो हमारा 12th का जो मोस्टली सिलेबस है, ठीक है, वो कहीं ना कहीं डिफाइन हमारे हमारे डिफाइन करता है जो चीजें हम आगे चल के ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन, सर यहाँ की चीजें सर पोस्ट ग्रेजुएशन में भी पढ़नी है क्या? यस, उसका एप्लीकेशन पढ़ना है पूरा का पूरा। आपको सिलेबस एज इट इज ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन या प्रोफेशनल कोर्सेज में नहीं पढ़ना है, लेकिन हाँ इसका कुछ रेलेवेंस है, इसके कुछ पार्ट्स है जो आपको आगे काम में आएंगे। मतलब ये बेस है आपका, ये आपका आने वाले अकाउंटेंसी सब्जेक्ट्स के लिए बेस है। तो अगर हम बात करें सर सिलेबस की, तो अगर आपको आप अगर बुक कभी भी पूरा पढ़ते होंगे ना, इसको मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ आप लोगों को अच्छा दिखे, आप कभी भी अगर पूरा अगर बुक पढ़ते हो, जो कि नहीं पढ़ते हैं, ठीक है, हम बेसिकली स्टूडेंट्स आर नॉट इंटरेस्टेड टू रीडिंग द होल बुक। हमको सीधा मतलब होता है सर सीधा चैप्टर शुरू करो और सीधा सर कॉन्सेप्ट बताओ, कॉन्सेप्ट की बातें करो सर, या हमें डायरेक्ट सॉल्यूशन की बातें करो। हमें ये सब फालतू की चीजें पढ़ना अच्छा नहीं लगता, जबकि ये चीजें एक बार रीड कर देना चाहिए। जो आपके महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड है ना, इन्होंने आपको कुछ चैप्टर्स दिए और हर चैप्टर्स को देने के पीछे उन्होंने कुछ ऑब्जेक्ट बनाया है। आप वो चाहते क्या है आपसे, उस चैप्टर को आप पढ़ने के बाद क्या सीखो। स्टूडेंट्स आर एबल टू, जैसे आपको एक चैप्टर है, मैं भी मैं सारे चैप्टर समझाऊंगा, डोंट वरी, ठीक है, आपको कितने चैप्टर्स हैं, ठीक है, चैप्टर्स कैसे रहने वाले हैं, अगर हम उसको डिफिकल्टीज लेवल के हिसाब से बात करें तो वो लेवल्स कैसे रहेंगे, हम सारी चीजों की बातें करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो आप लोगों को ये एरिया पढ़ना चाहिए, ये जो दिख रहा है आप लोगों को, कि आपसे जो हमारा सिलेबस है उसमें जो बोर्ड है, बोर्ड क्या चाहती है, ठीक है, बोर्ड क्या चाहती है। क्योंकि जब तक आप लोगों को ये पता नहीं होगा कि हमारा एग्जामिनर क्या चाहता है, आप पढ़ाई कैसे शुरू कर सकते हो। मैं मेरी रिक्वायरमेंट कुछ और है, आप पढ़ कुछ और रहे हैं, तो बात मजा नहीं आएंगी। क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप इस तरीके से पढ़े, बट आप इस तरीके से पढ़ रहे हैं तो मैच नहीं होगा। तो एग्जामिनर का मतलब जो एग्जाम्स कंडक्ट करता है, एग्जामिनर का और स्टूडेंट्स के बीच में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, किस चीज का, दोनों के ऑब्जेक्ट सेम होने चाहिए। उनका जो आप लोगों को पढ़ाने के लिए सिलेबस डिजाइन करने का ऑब्जेक्ट और एज ए स्टूडेंट को पढ़ने का ऑब्जेक्ट, दोनों का ऑब्जेक्ट जब तक के सेम नहीं होगा तब तक आप 100 out of 100 नहीं ले सकते। पहली चीज तो अगर आपको 100 out of 100 लेना है सब्जेक्ट में, तो आपको जो एग्जामिनर है, आपको एग्जामिनर के पहले तो ऑब्जेक्ट को समझना पड़ेगा कि उसने ये सिलेबस आपको स्टूडेंट्स को क्या समझने के लिए दिया है, किस पर्पस से दिया है। तो हम एक एक करके चैप्टर्स की बात भी करते हैं, आप लोग अपने पास चाहे तो नोट डाउन कर सकते हो एज अ सिलेबस, आप लोग अपने पास सिलेबस लिखना शुरू कर दीजिए, ठीक है। आप लोगों ने सबसे पहले 12th का सिलेबस लिख देना चाहिए। तो आपके पास सिलेबस में सबसे पहला टॉपिक आएगा, उसका नाम है इंट्रोडक्शन, या फिर आप बोल सकते हो फाइनल अकाउंट, इंट्रोडक्शन मत लिखिए, फाइनल अकाउंट ऑफ पार्टनरशिप, फाइनल अकाउंट ऑफ पार्टनरशिप फर्म। हमें किसका फाइनल अकाउंट पढ़ना है, पार्टनरशिप फर्म का फाइनल अकाउंट पढ़ना है। अब यू बोर्ड क्या चाहती है, बोर्ड की चाहत क्या है, क्या आपको बोल रही है बोर्ड। तो देखो बोर्ड कहती है कि ये चैप्टर में बेसिकली आप क्या समझो, उनका रिक्वायरमेंट क्या है आपके लिए। तो उनकी रिक्वायरमेंट है आपके लिए कि आप मीनिंग को समझे, पार्टनरशिप क्या होता है सबसे पहले आप उसके मीनिंग को समझे, पार्टनरशिप के अंदर क्या क्या फीचर्स है, दूसरी बात आपके उसके फीचर्स को समझो, तीसरी बात आपको पार्टनरशिप एक्ट 1932 ये क्या कहता है, इस एक्ट में क्या लिखा है, आपको इस एक्ट का मतलब समझना है, कानून बना हुआ है पार्टनरशिप के लिए। और ये मैं भी समझाऊंगा जब मैं चैप्टर शुरू करूंगा ना, तो ये कानून कहाँ से आया, ये जो लॉ है पार्टनरशिप एक्ट कहाँ से ब्रेक हुआ। एक हमारे पास पहले इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हुआ करता था और अभी भी है एक इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, हम सारी चीज लिख लिख के करेंगे डोंट वरी। तो एक पहले कानून हुआ करता था इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, वहां से अलग हुआ है 1872, वहां से अलग हुआ है और अलग से एक 1932 में ब्रिटिशियस लोगों ने पार्टनरशिप एक्ट बनाया था, फिर बाद में उसको इंडियन नाम दे दिया गया इंडियन पार्टनरशिप, बिकॉज ब्रिटिश लोगों ने इंडिया के लिए बनाया था ये पार्टनरशिप एक्ट। सब बातें करेंगे, सारी बातें करेंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन जो आपका सिलेबस है उसकी रिक्वायरमेंट है पार्टनरशिप डीड को समझना, कि पार्टनरशिप डीड क्या होती है। पार्टनरशिप डीड के बाद अगर हम बात करें, तो अगर पार्टनरशिप डीड में कोई चीज एब्सेंस है, अगर कोई चीज नहीं दी हुई है,
तो फिर हम क्या चीज को मान लेंगे, जैसे होता है ना लैक ऑफ इंफॉर्मेशन, अगर कोई चीज कहीं पर नहीं दिया है, जैसे मान लो मैं कल आप लोगों को टाइम बताना भूल जाऊं, हमारी डेली की क्लास का टाइम क्या है भाई बताइए, हमारी अब डेली की ये क्लास का टाइम कितना रहने वाला है, 7:30 AM, 7:30 को हम सुबह शुरुआत करेंगे। अगर मैं किसी दिन आपको ग्रुप में अच्छा, और हमारी क्लास की ना जो मीटिंग आईडी है, पूरे पूरे क्लास में हमेशा मीटिंग आईडी और पासवर्ड सेम रहेगा। अगर सपोज गलती से किसी दिन मैं आपको मैसेज नहीं किया ग्रुप में कि गाइज आ जाइए 7:30 बजे से क्लास शुरू होंगी, तो आपका ओपिनियन और अजम्पशन यही होगा ना कि क्लास होंगी कंटिन्यू, सर बताना भूल गए होंगे, क्योंकि हमारी क्लास रेगुलर होंगी, हर दिन होंगी एक्सेप्ट संडे, ठीक है सर? क्यों? क्योंकि संडे एक दिन आप लोग भी रेस्ट करना, हम भी आप लोगों के लिए कुछ नया प्लान करेंगे, तो हम लोग वीक में 6 डेज पढ़ेंगे, एक दिन रेस्ट करेंगे थोड़ा सा। सर नहीं ना सर, प्लीज मत करवाओ रेस्ट, अभी जब तक ये कोविड है तब तक ये तो कर लो, जब ऑफलाइन होंगे तब तो बिल्कुल ही नहीं करना है, ठीक? घर वालों के साथ भी सर, अब तो घर वालों के साथ ही समय पूरा स्पेंड होता है, ठीक? तो अगर किसी दिन हम टाइम बताना भूल भी जाए आपको, तो आप लोगों ने अंडरस्टैंड कर लेना, अगर एब्सेंस है किसी बात का तो भी आप लोगों ने अंडरस्टैंड कर लेना कि क्लास होंगी, अंटिल अनलेस मैं आपको अलग से बताऊं ना कि आज यार क्लास नहीं होंगी, कुछ नेटवर्क इश्यू है या पर्सनल प्रॉब्लम है या फिर कोई और भी रीजन है, तो किसी भी रीजन की वजह से अगर आप क्लास अटेंड नहीं कर पा रहे, मतलब क्लास नहीं हो पाएंगी, तो वो स्पेसिफिकली आपको बता दिया जाएगा। अगर नहीं बताया जा रहा है मतलब क्लास होंगी, डेली बेसिस पर होंगी। तो आपको अगर एब्सेंस है, अगर आपको पार्टनरशिप डीड नहीं बनाया गया है उसका एब्सेंस है, तो फिर हमने कौन से प्रोविजंस को अप्लाई करना, उन चीजों के बारे में हमको पढ़ना है, उन चीजों की हमको अंडरस्टैंडिंग बेटर करनी है। उसके अलावा अगर हम बात करें इस चैप्टर के अंदर, हमें कैपिटल अकाउंट कैसे बनाते हैं पार्टनर का, वो सीखना है। क्या सीखना है? पार्टनरशिप अकाउंट, पार्टनरशिप के फाइनल अकाउंट में हम कैपिटल अकाउंट कैसे बनाए, हमें फाइनल अकाउंट का मतलब सीखना, वो भी कौन से फाइनल, पार्टनरशिप। हम लोगों ने 11th में सोल ट्रेडर का सीखा था, हम लोगों ने 11th क्लास में किसका सीखा था, सोल ट्रेडर के फाइनल अकाउंट का मतलब सीखा था, कि सोल ट्रेडर मतलब एक इंडिविजुअल बिजनेसमैन जो अपने बिजनेस की सारी एक्टिविटीज को रिकॉर्ड करता है, मेंटेन करता है और अपने फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को जानने के लिए फाइनल अकाउंट बनाता है। वैसे हमें यहाँ पर किसके बारे में समझना है, हमें पार्टनरशिप के फाइनल अकाउंट का मीनिंग पता होना चाहिए कि पार्टनरशिप के फाइनल अकाउंट का मतलब क्या है। उसके अलावा और क्या रिक्वायरमेंट है इस चैप्टर की, इस चैप्टर की रिक्वायरमेंट है कि आपको नीड पता होनी चाहिए, जरूरत क्यों हम फाइनल अकाउंट पढ़ रहे हैं पार्टनरशिप का, तो ये सारी चीज हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद आपको एडजस्टमेंट पता होनी चाहिए, कुछ एडजस्टमेंट हम 11th में डिस्कस किए हैं, बट डोंट वरी, जितना हमने 11th में पढ़ा है हमने उसको 11th में छोड़ दिया, हम 12th को बिल्कुल फ्रेश, हम ऐसा स्टार्ट कर रहे हैं कि बच्चा पहली बार पढ़ रहा है, हम जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, हम ऐसा पढ़ेंगे चीजों को कि हम जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, पहली बार स्टार्ट कर रहे हैं। और उसके बाद अगर हम बात करें ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है, आपको ट्रेडिंग अकाउंट बनाना होगा, आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना होगा, आपको बैलेंस शीट बनानी होगी। सर 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 ये तो सर हम 11th में भी करते थे, सर आप जब अभी सोल ट्रेडर समझा रहे थे, मैंने पहले ही कहा था आप लोगों को, जितने लोगों ने अटेंड किया है 11th की ये पर्टिकुलर हमारे एक हफ्ते की क्लासेस, मैंने तब भी कहा था कि हमने 11th नहीं, हम 12th का बेस पढ़ना शुरू कर चुके हैं, क्योंकि ये सेम चीज हमारी 12th में कंटिन्यू होंगी, ये बात मैं आपको ऑलरेडी बता चुका था, बट ठीक है कुछ लोगों ने नहीं किया था वो वाली क्लासेस अटेंड, बट कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट क्या रहेगा कि हम अपने जो जो भी फाइनल अकाउंट्स के रिजल्ट्स हैं, बिजनेस के रिजल्ट्स हैं, उसको समझ सके कि वो रिजल्ट्स कैसे आ रहे हैं। तो इस पूरे चैप्टर का मेन पर्पस क्या है, इस पूरे चैप्टर का अगर मैं ऑब्जेक्ट को समअप करूं कि इस अगर मैं पूरे चैप्टर के अगर ऑब्जेक्ट की बात करूं, तो पूरे पूरे इस चैप्टर का ऑब्जेक्ट है आपको पार्टनरशिप में परफेक्ट बनाना। और आपको मैं गोंदिया की हकीकत बताता हूं, जमीनी हकीकत है कि गोंदिया में जो सबसे ज्यादा, अगर इन फ्यूचर आप सीए बन गए या आप आगे चल के अकाउंटेंट बन गए या आप फाइनेंशियल एडवाइजर बन गए, ठीक है, या आप फाइनेंशियल एनालिसिस्ट बन गए और आप गोंदिया में अपना खुद का ऑफिस चलाना चाहते हैं, गोंदिया में आप खुद का ऑफिस चलाना चाहते हैं, तो गोंदिया में सबसे ज्यादा जो प्रैक्टिस होती है ना, वो गोंदिया में सबसे ज्यादा आपको सोल ट्रेडर मिलेंगे। आपको सबसे ज्यादा यहाँ फाइनल अकाउंट बनाना है सोल ट्रेडर का। गोंदिया में सबसे ज्यादा काम आता है पार्टनरशिप का। गोंदिया में कंपनीज बहुत कम है, तो गोंदिया में कंपनीज का काम बहुत कम मिलता है, यहाँ सोल ट्रेडर का काम बहुत ज्यादा मिलता है एज अ प्रोफेशनल, यहाँ पार्टनरशिप का काम बहुत ज्यादा मिलता है एज अ प्रोफेशनल, यहाँ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली HUF के काम बहुत ज्यादा मिलते हैं,
यहाँ कंपनीज के काम कम मिलते हैं, कंपनीज में भी प्राइवेट कंपनी के मिलेंगे, पब्लिक कंपनी के तो नहीं के बराबर काम मिलते हैं, ठीक है। तो आपको ये जो चैप्टर पढ़ना है ना, ये कहीं ना कहीं प्रैक्टिस पॉइंट ऑफ व्यू पढ़ना है कि अगर आप गोंदिया में इन फ्यूचर अकाउंटेंट की अगर आप ऑफिस डाल रहे खुद की, या फिर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गए, आप खुद के ऑफिस स्टार्ट कर रहे गोंदिया में, मैं गोंदिया के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। बाहर की अगर बात करो तो बाहर में है भाई, अगर आप नागपुर जाओ तो वहां प्राइवेट कंपनी का भी काम बहुत मिलेगा, अगर आप पुणे, मुंबई, हैदराबाद, नोएडा, बेंगलुरु, ठीक है, अगर आप ऐसे मेट्रो सिटीज में जाते हैं, अहमदाबाद वगैरह, तो आप लोगों को पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी, इनके काम ज्यादा मिलते हैं। तो ये सारी चीजें तो प्रोफेशनल लेवल पर सीखनी है, बट एटलीस्ट बेसिक्स जो अभी हमारे सिलेबस में है, हमें इस पॉइंट ऑफ व्यू से सीखना है कि हमारा एग्जाम्स भी कवर हो और आगे चल के हम प्रोफेशनल बने, तो प्रोफेशनल इसमें हमारा क्या हो, ये पर्टिकुलर चैप्टर का नॉलेज भी अप्लाई हो सके। और बहुत सारे बच्चे होते हैं जो ट्वेल्थ के बाद फाइनेंशियल कंडीशन को देखते हुए पार्ट टाइम दो टू आवर्स या थ्री आवर्स के लिए अकाउंटिंग का काम शुरू कर देते हैं, कुछ लोग समर वेकेशन में अकाउंटिंग की वर्क शुरू कर देते हैं किसी सीए के अंडर में या किसी अकाउंटेंट के पास जाके। तो दिस इज द सोर्स ऑफ पार्ट टाइम अर्निंग ऑल्सो। आप इन चीजों को अच्छे से कॉन्सेंट्रेट करके सुनो, क्योंकि आप टू टू थ्री आवर्स पार्ट टाइम बेसिस पर अकाउंटिंग का भी काम करना ट्वेल्थ के बाद से भी शुरू कर सकते हैं, अगर हमारी फाइनेंशियल कंडीशन हमें अलाउ नहीं कर रही है, बहुत ज्यादा हाईली अपने एजुकेशन पर पैसे खर्च नहीं कर सक रहे हैं, तो हम इन चीजों को सीखकर अप्लाई भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने पहला चैप्टर का नाम लिख दिया फाइनल अकाउंट, और हम उसी की बात करेंगे। हम आज की पूरी क्लास में हम फाइनल अकाउंट की ही बात करने वाले हैं, बट मैं आपको पूरा सिलेबस पहले लिखवा दूं। तो सर दूसरा क्या है, दूसरे यूनिट जब हम स्टार्ट करेंगे तब उसके बारे में डिटेल समझेंगे। तो पहला आपको ये 10 आपको चैप्टर दिख रहे, बट उसकी इंडेक्स बनी हुई है, उसकी इंडेक्स बनी हुई है, ये रही जी आपकी सिलेबस। सबसे पहला हमारा क्या है चैप्टर, लिख लीजिए आप लोग, ये आप लोगों ने सिलेबस अपने पास लिख लीजिए। सबसे पहला चैप्टर क्या है हमारे पास, इंट्रोडक्शन टू फाइनल अकाउंट, ठीक है। किस चीज का, पार्टनरशिप एंड पार्टनरशिप फर्म का, पार्टनरशिप एंड पार्टनरशिप फर्म का हमें क्या करना है, फाइनल अकाउंट सीखना है। सर 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 हमें बताइए चैप्टर कैसा है। देखो हमने टेस्ट तो किया है चैप्टर को, क्योंकि हमने जो 11th में सोल ट्रेडर थोड़ा थोड़ा पढ़ा था ना, बस 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 वही है सोल ट्रेडर का, ये थोड़ा सा एडवांस वर्जन बोल सकता हूं मैं। अभी मैंने चैप्टर पढ़ाना शुरू नहीं किया, अभी तो मैं आपको 12th का पहले चैप्टर एक सिलेबस का बेस बताना शुरू कर रहा हूं। तो ये आपका ऑलरेडी आपको ऐसा लगेगा, अरे वाह ये तो पढ़ा हुआ है, अरे वाह ये तो हमें आता है, बस थोड़ी थोड़ी चीजें इसमें एडवांस रहेंगी, इसमें थोड़ी थोड़ी चीजें क्या रहेंगी, एडवांस रहेंगी। जैसे आप लोगों ने अभी करंट अकाउंट के बारे में बिल्कुल नहीं पढ़ा है, आप लोगों ने कैपिटल अकाउंट के बारे में बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है, आपने कुछ नए एडजस्टमेंट्स आएंगे जो आप लोगों ने नए एडजस्टमेंट्स बिल्कुल भी नहीं पढ़े, ठीक है। तो एज सच वैसे भी हम बार बार बात कर रहे हैं कि हम तो ऐसे ही स्टार्ट करेंगे जैसे हम जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, किसी ने 11th पढ़ा हो ना पढ़ा हो फर्क ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम जीरो से स्टार्ट करेंगे। जिन्होंने पढ़ लिया शायद उनको स्टार्टिंग की कुछ क्लासेस ऐसा लगे कि यार सर आप तो 11th का ही रिपीट कर रहे हो, बट नहीं जरूरी है, क्योंकि हमें फिर से 12th के पॉइंट ऑफ व्यू से जीरो से स्टार्ट करना है। सर ये बात तो समझ में आ गई कि हमें जो पार्टनरशिप फर्म होती है उनका फाइनल अकाउंट बनाना है, यहाँ हमें ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट, ये चीजें बनाना सीखना है। हमें क्या क्या चीजें सीखना है इसमें, अगर मैं इस चैप्टर की बात करूं तो इस चैप्टर के अंदर हमें सीखना है, यहां मैं लिख रहा हूं, पहला चैप्टर है हमारा, इसके अंदर हमें क्या क्या चीजें सीखनी है, हमें यहां सीखनी है ट्रेडिंग अकाउंट बनाना, इस चैप्टर के अंदर हमें सीखना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना, इस चैप्टर के अंदर हमें सीखना है बैलेंस शीट बनाना, इस चैप्टर के अंदर हमें सीखना है कैपिटल अकाउंट बनाना, इस चैप्टर के अंदर हमें सीखना है करंट अकाउंट बनाना। सर और कुछ भी सीखना रह गया है क्या, बता दो। नहीं इतनी चीजें बनेंगी। हाँ अगर हम पीएल एडजस्टमेंट का सिर्फ कॉन्सेप्ट देख लेंगे, ठीक है, पीएस पीएल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एडजस्टमेंट का कॉन्सेप्ट देख लेंगे कि किस तरीके से बनाए जाते हैं, तो हमें इस चैप्टर में इतनी चीजें बनाना सीखना है। सर चैप्टर कैसा है, थोड़ा सा फॉर्मेट बेस्ड है, फॉर्मेट बेस्ड मतलब आपको कुछ चीजों को रटना पड़ेगा, मगअप करना पड़ेगा, उस चीजों को क्या करना पड़ेगा, मगअप करना पड़ेगा, रटना पड़ेगा फॉर्मेट। ट्रेडिंग के डेबिट में ये आता है तो पीएल के डेबिट में ये आता है, तो बैलेंस शीट असेट्स में ये आता है, तो कैपिटल के डेबिट में ये आता है, करंट अकाउंट के डेबिट में ये आता है, तो सारी चीजें थोड़ी सी मगअप वाली है, थोड़ी सी चीजें लॉजिक वाली है, ठीक है। तो लॉजिक और मगअप दोनों का कॉम्बिनेशन है चैप्टर, फॉर्मेट फीलिंग है, फॉर्मेट बेस्ड है,
होप सो आपको फाइनल अकाउंट की थोड़ी थोड़ी बातें, मतलब इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन से रिलेटेड, इस सिलेबस के इंट्रोडक्शन से रिलेटेड समझ में आ रही है। तो सर इसको वेटेज अगर दूं मैं आउट ऑफ 100 कितना मतलब डिफिकल्टीज लेवल है, मुझे नहीं लगता ये ज्यादा डिफिकल्ट लेवल है। आपने अगर स्टार्टिंग के 10 से 12 क्वेश्चन में अगर पूरी तरीके से ध्यान दे दिया तो ये समझ लो कि आप आराम से कोई भी क्वेश्चन दे दे, 100 क्वेश्चन भी आपको दे दे तो भी आप कर पाओगे, ठीक है। उसके बाद दूसरा चैप्टर है हमारे पास, आप लोग दूसरे नंबर पे लिखिए, पहला नंबर पे आप लोगों ने सिलेबस में ये लिख लिया इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप एंड पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट, दूसरे नंबर पे लिखिए अकाउंट फॉर नॉट प्रॉफिट कंसर्न। इसको शॉर्ट में एनजीओ भी बोलते हैं, या फिर फाइनल अकाउंट इस चैप्टर को इस तरीके से भी बोला जाता है, कैसे, फाइनल अकाउंट ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न। इस चैप्टर को ऐसा भी बोला जाता है। ये भी सर फाइनल अकाउंट ही क्या, यस ये भी फाइनल अकाउंट ही है, बट ये किसका फाइनल अकाउंट है, ये एनजीओ। सर एनजीओ क्या होती है, नॉन प्रॉफिटेबल इंस्टीट्यूशंस, या फिर बोल सकते हो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस जिन्हें एनजीओ कहा जाता है, या फिर एनपीओ भी कहा जाता है इसे, एनजीओ एज वेल एज इसे क्या भी कहा जाता है, एनपीओ। एनपीओ का मतलब होता है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ऐसी ऑर्गेनाइजेशन, ऐसी संस्था, ऐसी चैरिटी जिसका काम क्या होता है, लोगों को सर्विस देना, प्रॉफिट कमाना इनका काम नहीं है। जैसे मैं कुछ एग्जांपल्स दूंगा, अपने गोंदिया में भी है लायंस क्लब, सर गोंदिया में है क्या, यस उसकी फ्रेंचाइजी है, ठीक है, बढ़ते कदम, ठीक है, बहुत अच्छा इनिशिएटिव लेती है बढ़ते कदम, ठीक है, भले ही उन्होंने अपने कम्युनिटी के लिए स्टार्ट किया, बट ग्रेजुअली अभी आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है, अभी एक सिंधी कम्युनिटी ने बहुत अच्छा काम किया है, उन्होंने कोविड के लिए अलग से अपना जो भी हॉल वगैरह होता है वहां पर उन्होंने एक्स्ट्रा के बेड्स वगैरह लगाए हैं। तो ये एनजीओज है, ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस है, जो ऐसी संस्था जो लोगों के भले के काम में मतलब लोगों के भले के लिए काम करती है। और भी है क्या सर, यस और भी और बहुउद्देशीय संस्थाएं होती है जो प्रॉफिट के इंटेंशन से काम नहीं करती, उनका मेन ऑब्जेक्ट क्या होता है, उनका मेन ऑब्जेक्ट होता है लोगों को सर्विस देना, लोगों को फायदा पहुंचाना, हाँ लेकिन वो उस सर्विस के बदले थोड़ा बहुत चार्ज करती है, क्यों, क्योंकि यार उनको भी तो कहीं ना कहीं अगर बिजनेस रन करना है, अगर मैं किसी को फ्री में खाना दे रहा हूँ, जैसे गुरुद्वारा में आपने देखा होगा लंगर्स वगैरह होते रहते हैं, बट गुरुद्वारा लोगों को फ्री में जो या फिर जो लंगर्स वगैरह करवाते हैं बहुत जगह पर होते हैं, मैं तो सिर्फ कुछ चंद एग्जांपल्स दे रहा हूँ आप लोगों को, तो उनको भी तो यार खर्चा आता है, कब तक कोई इंडिविजुअल अपने जेब से देते रहेगा, ठीक है, करते हैं लोग, देते हैं जिनकी इच्छा होती है डोनेट करने की, वॉलंटरली डोनेट करते हैं। तो इन लोगों ने कुछ अपने रूल्स बना दिए कि यार आपको अगर मेंबर्स बनना है तो आपको मेंबरशिप फीस लगेंगी, थोड़ा बहुत आपको अगर हमारे साथ जुड़ना है तो थोड़ा बहुत डोनेशन कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, ताकि आप भी लोगों के साथ भले के काम में जुड़े रहे। तो हमें ऐसे कंपनी या ऐसे ऑर्गेनाइजेशन या ऐसे इंस्टीट्यूट के फाइनल अकाउंट सीखना है। सर इस चैप्टर के अंदर हमने क्या क्या चीजें सीखना है, अगर मैं बात करूं फाइनल अकाउंट ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न के लिए, तो आपको यहां पर सीखना है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाना। क्या सीखना है इसके अंदर आपको, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाना। उसके अलावा क्या सीखना है इसके अंदर आपको, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना। और क्या सीखना है आपको इसके अंदर, बैलेंस शीट बनाना। सर 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 एक बात बताओ ना, ये फाइनल अकाउंट है तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्यों नहीं बनाता, जब ये फाइनल अकाउंट आप बोल रहे हो तो फाइनल अकाउंट में तो ट्रेडिंग अकाउंट बनता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है। ट्रेडिंग और प्रॉफिट वही लोग बनाते हैं जिनका उद्देश्य प्रॉफिट कमाना होता है, जिनका उद्देश्य प्रॉफिट कमाना नहीं होता वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी नहीं बनाते। तो उनके लिए जो भी पैसे आ रहे हैं वो इनकम, जो भी पैसे जा रहे हैं एक्सपेंसेस, तो उन लोग इनकम एंड एक्सपेंसेस अकाउंट बनाते हैं, उन लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बनाते। तो हमारे को दूसरा चैप्टर कौन सा पढ़ना है, हमें दूसरा जो चैप्टर पढ़ना है वो है अकाउंट्स ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न, ये दूसरा चैप्टर है। सर तीसरे चैप्टर की बात करते हैं, अब हम किसकी बात करते हैं, थर्ड चैप्टर की बात करते हैं। और हमारे पास जो थर्ड चैप्टर रहने वाला है, एक मिनट, हमारे पास जो थर्ड चैप्टर रहने वाला है, लिख लीजिए थर्ड चैप्टर का नाम, हमारे पास थर्ड चैप्टर रहेगा रिकॉन्स्टिट्यूशन। हमारे पास थर्ड चैप्टर किससे रिलेटेड है, रिकॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड है। सर रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है, लिख लीजिए अपने कॉपी पे आप लोग भी,
रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। सर रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है? रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है किसी चीज का पुनः निर्माण करना, फिर से किसी चीज को बनाना, ठीक है, फिर से नए सिरे से कोई चीज को करना। सर तो यहां पर क्या चीज हम नए सिरे से कर रहे हैं? देखो आपको पता है, नहीं पता होगी तो हम सीख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं पता ना सीख लेंगे। पार्टनरशिप में क्या होते हैं पार्टनर्स, जैसे मान लो मैं, राहुल सर, तुलसी सर, अंकेश सर, अभी चार लोग है फिलहाल में, ये कौन है? कॉमर्स अकेडमी के पार्टनर्स। बट इन फ्यूचर हो सकता है कोई नए हमारे फैकल्टी मेंबर्स, कोई नए हमारे पार्टनर्स बने, तो हो सकता है नए पार्टनर्स आ जाए। जैसे मान लो कोई और नए सर हमसे जुड़ गए, जैसे इंग्लिश के लिए मुदलियार मैम, फिलहाल में भी वो पार्टनर नहीं है, बट यस सी इज फैकल्टी, ठीक है, कॉमर्स अकेडमी की पार्ट है, नॉट एज अ पार्टनर बट इन द सेंस ऑफ फैकल्टी, फैकल्टी मेंबर्स है वो। बट अगर हम पार्टनर की बात करें, वो आगे चल के बोले कि नहीं नहीं अभी हमें भी कॉमर्स अकेडमी का पार्टनर बनना है, तो एक नया पार्टनर बढ़ जाएगा। नए पार्टनर ने क्या कर लिया? एडमिशन कर लिया, तो हमें टर्म्स एंड कंडीशंस बदलनी पड़ेंगी। जो अभी चार लोगों के साथ टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई थी, अब पांच लोगों के साथ करनी पड़ेंगी। तो जब भी एक नया पार्टनर आएगा तो हमारे रूल्स रेगुलेशन, हमारे टर्म्स कंडीशंस, हमारे प्रॉफिट लॉस, हमारी एसेट लायबिलिटी सब बढ़ जाएंगी ना पांच लोगों में, तो चेंजेस होंगे हमारे फाइनल अकाउंट के अंदर। उस चेंजेस को हमने सीखना है कि वो चेंजेस कैसे किए जाते हैं। कोई एक नया पार्टनर आ जाता है तो उसकी वजह से बाकी चार लोगों की अर्निंग पर इफेक्ट पड़ेगा ना, क्योंकि अब नया पांचवा पार्टनर भी हिस्सा मांगेगा प्रॉफिट वगैरह में, वो भी पैसे लाएगा बिजनेस के अंदर। तो हमें एडमिशन देखना है रिकॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। एडमिशन मतलब कोई अगर नया पार्टनर आ जाता है, हम सारे ना चैप्टर्स की डिटेल जब स्टार्ट करेंगे तब तो पढ़ेंगे, बट मैं आपको पूरे सिलेबस का एक बार ओवरव्यू देना चाहता हूँ, ताकि आपको समझ में आए कि आपके चैप्टर्स में, आपके सिलेबस में किस चीजों के ऊपर ज्यादातर फोकस किया गया है। फिर उसके बाद हम चौथे चीज की बात करें, चौथा चैप्टर, वो भी आपका सेम है, लिख लीजिए आप लोग, चौथा चैप्टर रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। सर ये भी रिकॉन्स्टिट्यूशन? यस, क्योंकि देखो पार्टनरशिप के अंदर तीन काम मोस्टली होते हैं। तीन, कितने काम मोस्टली होते हैं? तीन। कौन कौन से? पहला, या तो पार्टनर आएगा या तो पार्टनर जाएगा, ठीक है, या तो पार्टनर आएगा या तो पार्टनर जाएगा या तो पार्टनर परमानेंटली चला जाएगा। आएगा मतलब एडमिशन, जाएगा मतलब रिटायरमेंट ले रहा है, भगवान को प्यारा नहीं हुआ है। और तीसरी कंडीशन, सडनली कुछ हुआ, पार्टनर अगर भगवान को प्यारा हो गया तो वहां पर भी तो हमारी पार्टनरशिप में फर्क पड़ जाएगा, क्योंकि मेंबर कम हो गया, हमारा एक पार्टनर कम हो गया। तो हमारे पास रिकॉन्स्टिट्यूशन तीन तरीके से होते हैं। बोलिए रिकॉन्स्टिट्यूशन कितने तरीके से? तीन तरीके से। कौन कौन सा? एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ। एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ। एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ। एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ। ये तीन तरीके से हम रिकॉन्स्टिट्यूट करते हैं। मतलब अगर ये तीन कंडीशन होंगी तो मुझे अपने पार्टनरशिप के तरीके को बदलना पड़ेगा। मुझे पार्टनरशिप के अंदर जो टर्म्स एंड कंडीशंस है, प्रॉफिट लॉस है, पार्टनर्स के अकाउंट्स है, उन सारे चीजों में बदलाव करने पड़ेंगे। तो ये जो तीन चैप्टर है, मैं इनको तीनों को एक रो में समानता हूँ। ये तीनों चैप्टर एक रो में है, तीनों एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, क्योंकि तीनों चैप्टर सेम ही है, बस फर्क तीनों में अलग अलग कंडीशंस आ गई। तीनों में करना सेम चीज है, बस कंडीशन थोड़ी थोड़ी अलग हो गई। तो रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप के अंदर तीन चीजें पढ़ने वाले हम। पहला, तो अगर कोई नया पार्टनर आ जाए। दूसरा, अगर कोई पार्टनर चली जाए, अगर किसी पार्टनर का रिटायरमेंट हो जाए। और पांच, नेक्स्ट चीज, अगर कोई पार्टनर की डेथ हो जाए, वो परमानेंटली चले जाए, बोलने का मतलब वो मोक्ष को प्राप्त कर ले, ठीक है, वो मोक्ष को प्राप्त कर ले, भगवान को प्यारा हो जाए, तो फिर हमारे पार्टनरशिप में कैसे चेंजेस आएंगे। ये हो गए हमारे पांच चैप्टर अभी तक के। सर छठवां चैप्टर, ये भी पार्टनरशिप से रिलेटेड, देख रहे हो आप, समझ रहे हो बात को, 12th में पार्टनरशिप को कितना प्रायोरिटी दिया गया। 10 चैप्टर में से तो 5 चैप्टर आपके पार्टनरशिप पर बेस्ड है। अगर हमारे पास टोटल 10 चैप्टर है तो उसमें से 5 चैप्टर तो पार्टनरशिप पर बेस्ड है। पार्टनरशिप के कॉन्सेप्ट को भाई बहुत तगड़े तरीके से समझ लो, क्योंकि 12th चाहता है, सिलेबस चाहता है आप पार्टनरशिप के कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझे। 5 चैप्टर एक ही कॉन्सेप्ट से दिया है उन्होंने, पार्टनरशिप से। तो आपके पास जो नेक्स्ट पांचवा चैप्टर है, पांचवा तो बात कर ली हमने डेथ के लेकर, छठवा जो चैप्टर है हमारे पास, छठवा चैप्टर किस चीज से रिलेटेड है? डिसोल्यूशन। सर डिसोल्यूशन मतलब क्या था? सब बंद कर दो, नहीं चाहिए हमें बिजनेस, नहीं करना हमें साथ में पार्टनरशिप। झगड़े हो गए पार्टनर में, और होते हैं
क्लैशेस आते हैं कहां, जब चीजें क्लियर ना हो, जहां पर चीजें सही ना हो वहां पर क्लैशेस भी आते हैं। तो जहां क्लैशेस आने शुरू हो गए वहां पर डिसोल्यूशन की तरफ, डिसोल्यूशन मतलब बंद कर देना चीजों को, खत्म कर देना, तो पार्टनरशिप फर्म भी डिसॉल्व होती है, बंद किए जाते हैं और लोग फिर अपने अपने ओन क्या कर देते हैं, ओन अपने अपने रास्ते अलग अलग कर लेते हैं। ठीक है, तो जब तक ये चीजें स्मूथली चलती है पार्टनरशिप स्मूथली चल रही है, बट जहां क्लैशेस आने शुरू हो गए पार्टनर्स के बीच में, ये ड्रॉबैक है ना पार्टनरशिप फर्म का या पार्टनरशिप का, कि अगर पार्टनर्स में क्लैशेस होना शुरू हो गए, अभी आप लोग आई गेस ओसी में पढ़ोगे, अभी आई गेस शुरू नहीं हुआ होगा बट 11th में थोड़ा बहुत आप लोगों ने पढ़ा होगा ओसी, तो वहां पर आप लोगों ने पार्टनरशिप में ड्रॉबैक या उसके लिमिटेशंस में पढ़ा होगा। ओके, उसके बाद हमारे पास एक चैप्टर है जो मैं बार बार बात करता था, जब जब मैंने आप लोगों को फाइनल अकाउंट में दो वर्ड आते थे मैं आपको बार बार रेफरेंस देता था 12th का, एक जब आपको बिल रिसीवेबल और बिल्स पेएबल, जब जब ये वर्ड आते थे मैं आपको बोलता था कि ये चीजें हम 12th में सीखेंगे, चिंता ना करो, इनके ऊपर पूरा एक डिटेल में चैप्टर ही है, चैप्टर मैं कई बार कह चुका हूं आपको, तो चैप्टर 12th में है। क्या है चैप्टर का नाम लिख लीजिए सातवें नंबर पे, आप चैप्टर का नाम सातवें नंबर पे लिख लीजिए, बिल ऑफ एक्सचेंज, सातवें नंबर पे लिख लीजिए बिल ऑफ एक्सचेंज, मैं शॉर्ट में इसको BOE बोलता हूं, वही ठीक है, बिल ऑफ एक्सचेंज। तो बिल ऑफ एक्सचेंज सर क्या होता है, कैसे होता है, डोंट वरी पूरे डिटेल करेंगे, ये पार्टनरशिप से अलग चैप्टर है, ये चैप्टर पूरा का पूरा बेस्ड है आपका जर्नल एंट्री के कॉन्सेप्ट पर, ये चैप्टर पूरा का पूरा बेस्ड है आपके जर्नल एंट्री के कॉन्सेप्ट पर, जर्नल एंट्री और लेजर्स, बस दो ही चीजें सीखना इस चैप्टर में सर, ये तो हमको ऑलरेडी आता है यस, बट यहाँ स्पेशल अकाउंटिंग करनी है आपको, जर्नल एंट्री परचेज सेल की आती है बट बिल ऑफ एक्सचेंज की जर्नल एंट्री नहीं आती ना, कि अगर नोटिंग चार्जेस लग रहा है तो क्या करना, बिल कलेक्शन के लिए जा रहा है तो क्या करना, ऑनर्ड हो गया तो क्या करना, डिस ऑनर्ड, तो ये स्पेशल अकाउंटिंग एंट्री है, मतलब इस चैप्टर के लिए स्पेशली अलग से एंट्रीज बनाई गई है कि क्या क्या वर्डिंग्स होंगे, क्या क्या आपने वर्ड्स यूज करने, कौन कौन से लेजर्स बनाने हैं, तो स्पेशल अकाउंटिंग होती है यहाँ पर, तो जनरल एंट्री बेस्ड चैप्टर है ये और उसमें कुछ लेजर्स बनाने पड़ेंगे आपको। फिर उसके बाद आपके पास आठवां चैप्टर है कंपनी अकाउंट से रिलेटेड, आपके पास अगला चैप्टर किससे रिलेटेड है, कंपनी अकाउंट्स, आपने सुना है ना कंपनी शेयर इशू करती है, सुना ये बात, हाँ। तो जो कंपनी शेयर वगैरह इशू करती है तो वो इशू करने की जर्नल एंट्री क्या करेगी, क्योंकि कंपनी जब शेयर इशू करती है तो कंपनी को पैसे मिलते हैं, फिर बाद में कंपनी इंस्टॉलमेंट में पैसे मंगवाती है, तो हमें इशू ऑफ शेयर से रिलेटेड कंपनी, हो सकता है आपने शायद ये चीज पता नहीं अभी पढ़ी है क्या नहीं पढ़ी है, नहीं भी पढ़ी होंगी तो चिंता वाली बात नहीं है, जब हम चैप्टर शुरू करेंगे तब सीखेंगे, हमें तो आने वाले पूरे पीरियड में ये 10 चैप्टर को पूरा पढ़ना है, डिटेल में पढ़ना है, थोरोली पढ़ना है। ठीक है, तो डिस्काउंट एट पार पर होता है, पार मतलब जितने रुपए के शेयर उतने पर, डिस्काउंट पर होता है सस्ते में हमने 10 रुपए के शेयर 8 रुपए में इश्यू कर दिए, या प्रीमियम पर इश्यू होता है, हमें ऐसे तीन कंडीशंस पढ़नी होंगी इसके अंदर। अगेन सर ये चैप्टर कैसा है, तो जर्नल एंट्री बेस्ड है, ये चैप्टर भी कैसा है, जर्नल एंट्री बेस्ड है और लेजर बेस्ड है, यहाँ पर भी जर्नल एंट्री और लेजर्स करने हैं, बट यहाँ पर भी स्पेशल जनरल एंट्रीज होंगी, स्पेशल मतलब इश्यू ऑफ शेयर से रिलेटेड जनरल एंट्रीज होंगी, है चीजें ये भी थोड़ी सी आसान ही, लेकिन एक बार आपको पूरा पहले कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। हाँ, इंपॉर्टेंट चीज, यहाँ कैलकुलेशंस भी आते हैं, ठीक है सर, बिना कैलकुलेशंस के तो अकाउंट होता ही नहीं, यस, और जो ऊपर वाला सातवां नंबर का जो आपको चैप्टर बताया था ना बिल ऑफ एक्सचेंज, ये भी कैलकुलेशन बेस्ड है, ठीक है, तो कैलकुलेशन यहाँ होंगे। तो अभी तक हम लोगों ने 8 चैप्टर की बात की है, कौन कौन सा हमारे सिलेबस में चैप्टर्स है जल्दी जल्दी एक बार रिवाइज, अच्छा पहले 2 को कंप्लीट कर लेते हैं फिर पूरे चैप्टर्स एक बार रिकॉल कर लेंगे कि कौन कौन से चैप्टर्स हमारे सिलेबस में। 9वां चैप्टर जो है वो है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सर एनालिसिस, यस एनालिसिस, मतलब ये थोड़ा सा प्रोफेशनल लेवल की बात कर रहा है, ये जो चैप्टर है ना ये थोड़ा सा प्रोफेशनल लेवल की बात करता है, प्रोफेशनल लेवल सर, यस, एनालाइज करना है आपको किसी चीज को, आपको किसी चीज को समझना है, हम लोगों ने अकाउंटिंग की डेफिनेशन में पढ़ते थे ना एनालिसिस करना होता है, तो हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब जो हम फाइनल अकाउंट बनाते हैं ना, तो फाइनल अकाउंट में बहुत सारी चीजें हैं जिसको हम रेशियो की मदद से, सर रेशियो क्या होता है सीखेंगे, कुछ फॉर्मूलेस वगैरह लगते हैं, तो उन रेशियोज को कैसे इस्तेमाल करके कैसे डिसीजंस लेना, तो ये जो 9वां चैप्टर है ना ये डिसीजन मेकिंग चैप्टर है, जो आपका एनालिसिस वाला चैप्टर है ना ये थोड़ा सा आपका, थोड़ा नहीं ये फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है, ये चैप्टर कैसा है
फॉर्मूला बेस्ड है और यहाँ लॉजिक्स दिमाग लगेगा, आपको फॉर्मूले मगअप करने हैं और बाकी ये चैप्टर लॉजिक्स और दिमाग वाला चैप्टर है सर, बाकी नहीं है क्या? बाकी भी है। और लास्ट चैप्टर है आपके पास कंप्यूटर इन अकाउंटिंग, ये थ्योरी है, ठीक है, ये थ्योरी है, इसमें टैली वगैरह के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ना पड़ेगा अपने को, ठीक है, जो हम लोग कंप्यूटर अकाउंटिंग करते हैं, टैली बिजी, ठीक है, टैली ईआरपी, टेले में भी बहुत अलग अलग वर्जन है, तो जब हम थ्योरी चैप्टर है तो इसको थ्योरिटिकल डील करेंगे, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, हमारे पास 9 चैप्टर है, एक चैप्टर लास्ट हमारे पास थ्योरिटिकल है, ऐसे हमारा पूरा सिलेबस है। और हमारे ये क्लास का बिल्कुल क्या चल रहा है, लास्ट मिनट चल रहा है, तो एक काम करेंगे, आज की क्लास में हम ये एक ही सेशन करते हैं, कल से 2 सेशन शुरू कर देंगे, आज की क्लास में हम ये एक ही सेशन कर रहे हैं बस, ठीक है। तो आज सिर्फ हमने क्या समझा, आज की क्लास में हमने पहले पूरा सिलेबस समझा, 10 ओवरऑल चैप्टर है हमको, कितने 10 चैप्टर है ओवरऑल,